पास आए हैं बहुत सारे पैसे, लेकिन ये है किन के? इन लोगों के, मेरे नहीं है ये, इन लोगों के। और ये एजाज भाई कितने हैं आप गिने और अपने मुंह से बताएं, गिने और बताएं। और जिस मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने मेरे से एक ये वीडियो डालने पे उन्होंने मुझे भेजे है ना, तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक चैनल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है फातिमा एजाज के नाम से, तो मैं आपके सामने फातिमा एजाज चैनल को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। इसकी सारी हकीकत मैं आपको बताऊंगा कि इनका ये चैनल की इब्तदा किस तरह हुई, ये मीडिया पर किस तरह से आए, और किसने इनको चैनल बना के दिया, और जिसने इनको चैनल बना के दिया उनके साथ उनका क्या मकसद था, और बाद में उनको इसका क्या सिला मिला, ये सब कुछ मैं आपके सामने वजाहत से बयान करूंगा। जा रहा हूँ तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता हूँ कि राबिया सिस्टर जो है, राबिया और अहमद भाई, वो इनके पास आए, उन्होंने इनके साथ वीडियो बनाई। तो उसके बाद इनके पास महक फराज सिस्टर आए, महक फराज सिस्टर ने इनके साथ वीडियो बनाई, तो उनको बाहर से डोनेशन मिली 50,000। मैं अभी आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करता हूँ जिस वीडियो में महक फराज सिस्टर ने इनको डोनेशन दी, 50,000 डोनेशन दी, फिर 10,000 डोनेशन दी। तो ये तकरीबन 50,000 है, 50,000 है, नाम नहीं लूंगी अभी। जैसे कि ये हमारी बहन महक बाजी हमारी जो है, वो आपका अमानत इनके पास आया था, वो पूरे 10,000 पे 10,000 जो है वो लेके हमारे पास आई हैं और ये हमें दिए हैं। तो इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतनी तकलीफ करके ये एक नेकी के खातिर इतने दूर से, हमारा घर बहुत दूर है इनसे, इतने मुश्किल सफ़र करके ये हम तक पहुँचे हैं खाली ये अमानत देने के लिए। तो दुआ है। महक फराज के चैनल बना के देने वाले क्लिप के बाद हम आपको बताएंगे कि इनको क्या सिला मिला इस सब काम का जो आपने सब क्लिप देखे। तो ठीक है जी, जो भी हेल्प हुई वो अल्लाह पाक ने मेरे जिम्मे से उनके साथ करवाई है। फिर जब दूसरी बार मैं गई तब भी जो हुआ, तीसरी बार में जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि महक सिस्टर मुझे ना आप चैनल बना दें। मैंने कहा ठीक है जज्बे मैं बना देती हूँ। तो ये रमज़ान से कुछ दिन पहले की बात है, 11 अप्रैल मेरा ख्याल है, ये इस तरह के कोई दिन थे। तो उनको मैंने चैनल बना के दिया, उन्हें थोड़ी सी वीडियो के बारे में बताया आके आपने कैसे मोबाइल पकड़ना है। और तो महक फराज सिस्टर से इन्होंने बोला, तो उन्होंने फिर इनको चैनल बना के दिया, मुकम्मल सेटिंग बताई, सारा कुछ जो भी है समझाया। तो उसके बाद फिर ये YouTube चैनल चलाने लगे। तो YouTube चैनल पर आने के बाद उर्दू पॉइंट वालों के साथ इंटरव्यू का इन्होंने बोला था कि जब हमारा इंटरव्यू होगा उर्दू पॉइंट वालों के साथ, हम महक फराज सिस्टर को बोला हम आपकी तरफ आएंगे और आपके घर में बैठ के इंटरव्यू आपके साथ करेंगे। तो जब वो स्टेज आई तो इन्होंने ऐसा किया कि अपना नंबर फ़ोन से महक फराज सिस्टर को ब्लॉक कर दिया, उनके साथ मुकम्मल रबता ख़त्म कर दिया। यानी कि जो उन्होंने इनको चैनल बना के दिया, इनको इस प्लेटफॉर्म पर खड़े किया, उनके स्पोर्ट की मुकम्मल डोनेशन दिलाई, उनको उसने उन्होंने ये सिला दिया उनको कि उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, मुकम्मल रबता ख़त्म कर दिया इनके साथ। तो देखें जो एक हाथ पाँव वाले हैं, बिल्कुल सही इंसान है, वो तो छोड़ें, ये मजदूर होकर यानी कि थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा शोहरत मिलने पर, इनको डोनेशन की हेल्प मिलने पर ये इस स्टेज पे आ गए हैं कि ये किसी को इंसान नहीं समझते। जो इनके साथ भला जिन्होंने किया उनको भी ये शुक्रिया अदा करने की बजाय उनके नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, उनसे मिलना गवारा नहीं कर रहे। तो दोस्तों एक आदमी जो हाईलाइट हो रहा है तकरीबन, उसकी सिर्फ मदद नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुस्तहिक हैं इस चीज़ के, आपकी मदद के, आपकी डोनेशन के मुस्तहिक हैं, जो बीमार लोग हैं, जो मुख्तलिफ हालात में हैं, कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, और भी मुख्तलिफ ऐसे माशरे में लोग हैं, उनकी तरफ भी प्लीज़ खुदारा देखें। सिर्फ एक के पीछे पड़ जाएँ जो हाईलाइट हो गया उसको बस डोनेशन देनी है बस, बाकी जो हैं वो उनका नहीं पता कि किस हालात में जी रहे हैं। एक टाइम का किसी के पास खाना है, दूसरे टाइम का नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम दूसरे भी लोगों की मदद करें। सिर्फ एक तो चलो हाईलाइट हो गया, उसके तो काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं माशाल्लाह से, अभी उनका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, मिलियन है नहीं 2 लाख के से करीब हैं। तो दोस्तों जैसे कि महक फराज सिस्टर ने इनका दिल से इनकी मदद की, यानी कि जो बंदा किसी की दिल से खलूस नीयत से मदद करता है, जब उनके साथ ऐसा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है इस बात का कि मैंने इनके साथ क्या किया, क्या सोच के किया, तो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं।
तो ये थी इनकी सारी हकीकत। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक कर दें। थैंक यू।